हाथों साफ रहता है कि मान लो कब ही रंगबाजी कर रहे हैं हाँ। तो अपने हाथे बना खा सके। जोर लगे सब भाई अब बूढ़े ने कहा हम छोड़ते नहीं परे परे कुकुआई। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत और आज के दिन की शुरुआत हो रही है कड़कती ठंड में झाड़ू लगाने के साथ में। देख रहे हो कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है, आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और शाम तक धूप नहीं निकली थी, ऐसे ही कोहरा ही पड़ता रहा है। और अभी हम झाड़ू लगा दिए हैं, अंदर लगा दिए थे फिर बाहर भी लगा रहे हैं। और ये जो प्लास्टिक के गमले आपने देखे ना, ये पापा लेकर के आए हुए थे और इन्हीं में वो पेड़ लगाया हुआ है, अभी बहुत छोटे छोटे से हैं। और आज है शुक्रवार और मेरा व्रत है वैभव लक्ष्मी मैया का, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से काम शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। अभी नहा के आ गए हैं और अम्मा साहब बाहर आग ताप रही हैं, चलो देखते हैं। अभी तक कोहरा पड़ा है, अब जा कर के कम हुआ है। गुड मॉर्निंग, क्या कह रहे हो? अरे तब बता, ये देखो देहात के आगे देख लो सब लोग कैसे जलाई जात, कैसे फूकनी रखी है, इस फूक फूक के जलाई जा रही है और सब लोग हाथ ताप लो, हाथ सेक लो। और आज पापा ने आग जला करके रख दिया है ताकि सब लोग आग में हाथ सेकते जाएंगे। और अब आग जलाने का टाइम आ गया है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और इसमें ये क्या है ना कि अगर थोड़ी देर बैठ जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता है। अम्मा कंडे देती जा रही थी, फिर हमने आग जला दिया। उसके बाद फिर आ गए हैं सब्जी बनाने और थोड़ी सी आलू हमने उबाल के रख दिया था रात में ताकि सुबह जो है जल्दी हो जाए, तो वही आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे सबके लिए। और उठे तो थे जल्दी लेकिन खाना बनाते बनाते ना काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि ठंड लगती ना, तो आग भी जला दिया तो थोड़ी देर आग से हाथ सेकने लगे। काहे मां पुनी नहावे पाप डरवावे, अब हम नहा डरब चाहे जितना पाप हम का डरवावे। आग ही ताप के बाद जब उठ के लगे बैठ जाओ आगी महारानी, तो आगी महारानी कहती जाओ ना बैठी रहो, जाओ ना बैठी रहो। अब हम अगते हम का जाए हम ना ताप कई दिनों आ गई थी तू उनका, अब जाए थे हम ना ताप चाहे जितना झाड़ू लागा चाहे जितना पारा। अब नहा के ताप नहा के ताप भगवान के नवती नूरे नहा धो के उनका फिर आ तू को आई इताप आ गई थे कहो। हाँ उनका अब जाओ तुम हो नहा धो जाए खाओ पियो जाए। अच्छा जाओ नहा जाओ एक एक जने। हाँ पापा पूजा कर रहे हैं, धोआ जाए हाँ धोआ जाए। कौन आए पहले, हम के पहले तुम? जाओ बताओ जो ज्यादा डरात हुई वो बाद में कही, जो ज्यादा डरात हुई कही बाद में नहाओ। पक्का तो और को है नहाए क्या तुम? हम नहीं, हम जा रहे हैं ना ये कि आगे छोड़ के चली आई, लेकिन चाय की चक्कर में पड़ी थी। पहले आगे तो अपन चाय पिए मतलब पिए, अब तब नहाए जाएंगे। आ चुके हैं, इधर बना रहे हैं चाय और सब्जी बन गई है। आटे लगाएंगे क्योंकि आज है एकादशी तो चावल तो बनेंगे नहीं, तो सब्जी और रोटी बनेगी। और इधर चाय, ये देखो चाय बन रही है। तो अपने खाने के लिए हम गाजर का हलवा बना लेंगे आज, तो वही पापा घिस करके रख दे रहे हैं ताकि हम हलवा बना लें और मम्मी रोटियाँ बनाएंगी। अम्मा नहाने गई हैं और अभी बाहर ना दो तीन बतख आई हुई थी जिसमें से अभी एक है यहाँ पे और दो तीन उधर चली गई हैं। तो सब लोग कोई चावल दे रहा है कोई धान दे रहा है तो ये खा रही हैं और हम भी सोच रहे थे कि हम भी कुछ दे आएँ लेकिन तब तक ये चली ही गई थी।
और शायद किसी ने इनको पाला हुआ है इसीलिए यहाँ आई थी। थोड़ा सा दूर पे है जहाँ पे पाली हुई है ये, तो अब ये घूम रही थी गांव में भ्रमण करने के लिए निकली थी। तो सभी लोग देखिए चावल और धान वगैरह खिलाते जा रहे हैं इनको और ये अब चल दी हैं। और पापा ने गाजर घिस दिया था तो मम्मी रोटियां बनाने जा रही थी तो कहा कि पहले तुम बना लो ताकि फिर गैस झूठी ना हो, तो फिर पोछने का झंझट नहीं रहता है। तो अभी हमने घी डाल करके थोड़ा सा गाजर को भून लेंगे हल्का सा, उसके बाद फिर इसको हम ढक के पकाएंगे। और उस दिन खीर बनाया था तो हमने सोचा आज हम गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से पक चुकी हैं और ठंड में गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन गाजर बहुत थोड़ी सी थी। पापा से हमने मतलब आधा किलो मंगाया हुआ था, सिर्फ अपने के लिए मतलब सोचा था व्रत के लिए हो जाएंगी। और सच पूछो तो गाजर की खीर से ज़्यादा हलवा ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और इधर हमने थोड़ी सी मलाई और थोड़ा सा इसमें दूध भी था, एक चम्मच जितना रहा होगा, क्योंकि जब हलवा ही कम है तो फिर मैंने थोड़ा ही डाला है बस, ताकि इसको ज़्यादा देर हमको पकाना ना पड़े। और मलाई डालने के बाद में इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो देखिए हमारा हलवा जो है बस थोड़ा सा और भून लिया है, उसके बाद हमारा हलवा तैयार है। तो बस कटोरी में हम निकाल लेते हैं अपने लिए और थोड़ा सा सबको देंगे टेस्ट करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों अभी बाहर लेकर के आ गए हैं, कैसा बना है आप लोग जरूर से बताना। तो पापा आप ताप रहे हैं, देखिए गाजर का हलवा बन चुका है, लीजिए आप लोग भी खाइए। और ये वाला हम सबको दे रहे हैं, सब लोग टेस्ट करेंगे। लो पापा देखो, सब लोग इसी में देखेंगे। हाँ सभी लोग एक एक चम्मच टेस्ट कर लेंगे इसी। कैसे देखेंगे? हाँ, तो मैं दे दो सबको प्रसाद। बहुत बढ़िया इसी गाजर। अरे तुम अपना खा लेती, खा डालो लेकिन बढ़िया है। ये बताओ तू 1 किलो लाए बढ़िया बना देख लो हलवा। प्रसाद ना आया ऐसे आएगा तो सबको थोड़ा थोड़ा सा दे दिया टेस्ट करने के लिए। हम भी खा रहे हैं आग के पास बैठ कर। पापा खाना खा रहे हैं, आलू सब्जी, धनिया, नमक, हरा मिर्चा। मम्मी रोटी बना रही है और पापा गर्मा गर्म खाते जा रहे हैं। अम्मा तुम मुँह खा लो, खाइयो हलवा, हलवा खा लो। चलो एक एक जने खा चो। कैसा बना अम्मा? बहुत मस्त बना। अच्छा तो दोस्तों अभी सबका खाना पीना हो चुका है, अब हम जा रहे हैं प्रसाद बना लेते हैं। 2 बज चुके हैं और धूप आज बिल्कुल नहीं निकली है, लाइट का इंतजार कर नहीं सकते हम, जा रहे हैं गैस में बना लेते हैं, तब तक ठंडा होगा 4 बजने तक। और सब लोग देखिए खाना वाना खा चुके हैं, अम्मा भी खा चुकी है, बर्तन निकाल के रख दिए, मम्मी जा रही है धुलने, हम जा रहे हैं प्रसाद बनाने। गैस वगैरह पूछ दिया था, साबुदाना की खीर बनाएंगे, तो वो वाला साबुदाना ख़त्म हो गया था, कल पापा से फिर से मंगाए हैं। और दोस्तों आज ब्लॉगिंग की ड्यूटी हमें दी गई है, तो देखिए आप लोग अम्मा क्या कर रही हैं। अम्मा बैठी है। बैठी है ना, बरामदम नहीं जाती। जब तो दिन वो बंदरवा उनका काट ली तब ते अम्मा टरिया छोड़ दें। क्या अम्मा? दोस्तों क्या हुआ कि गांव में एक बंदर बहुत कट्टर है, उसने गांव में एक लोग को काट लिया, तब से अम्मा ने छत छोड़ दी, नहीं तो अम्मा बंदर से भिड़ जाती नहीं। क्या बाबा पापा गाय गिरे ये देखिए, अरे इसमें तो टॉर्च में तो दिख ही नहीं रहा। मम्मी दवा खा रहे होगा? चलो आप लोग अपन करो जो करो, हम देखते हैं दीदी क्या कर रहे हैं, यानी इस प्रिया शुक्ला ब्लॉग का ओनर। ये बना रहे लक्ष्मी मैया के लिए प्रसाद। लक्ष्मी मैया के लिए प्रसाद बना रही हूँ, खीर बन रही है। अच्छा कथा के लिए अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, 2:30 आंखी चमकी है, अभी 2:30 बज रहे हैं तो प्रसाद बन जाएगा तब तक, और उसके बाद फिर ठंडा होगा तब हम पूजा करेंगे 4 बजे तक। चलो ठीक है, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। जय जय माँ लक्ष्मी।
दोस्तों अभी पोछा वगैरह भी हमने लगा दिया है, ये देखिए हमने सोचा पूजा करने के पहले पोछा भी लग जाए यहाँ पे। मम्मी बर्तन धुल रही हैं, बर्तन वगैरह धुल जाएंगे फिर उसके बाद कथा करेंगे। अभी 3 बज गए हैं, 4 बजे तक कथा हमको करनी है। और अम्मा देखो वहाँ खड़ी हुई है, चलिए देखते हैं अम्मा के पास। अम्मा कहाँ खा रही हो? अम्मा सुपारी का सेवन कर रही हैं। सुपारी खइयो का है पान खइए घाम ही नहीं खुला। बूढ़े बन गए जारू कहा थे हम बूढ़े का हम जवान का हम छोड़ते नहीं जल लगे सब भाई। अब बूढ़े का हम छोड़ते नहीं परे परे कुकुआई। अच्छा ये जाड़ जाड़ कहा था हम ऐसे 3 दिन का कुकुआ रहा। हाँ बाहर बैठो तुम, क्या है कि अंदर ज़्यादा ठंडी लगती है और यहाँ पर ना थोड़ा कम ठंडी लगती है, अंदर ज़्यादा ठंडी लग रही है। आग जो है बुझ चुकी है, जल रही थी देखो। और पूजा होने से पहले मम्मी बर्तन वगैरह सब धुल के रख देंगे। और आज आटा भी आ गया है तो यहाँ पे बैठ करके अम्मा और मम्मी दोनों लोग आटा चाल रही हैं और हम पूजा की तैयारी करने जा रहे हैं। कपड़े वगैरह उठा के रख देते हैं ताकि फिर आराम से फिर हम पूजा करेंगे और मम्मी लोग भी तब तक आ जाएंगी। तो अभी हम शूटिंग कर रहे थे तो वही भाई हमको कुछ फेंक करके डरा रहा था जिसमें हमें लगे कि क्या गिर गया हमारे पीछे। और अभी कपड़े वगैरह उठा दिए हैं और देखिए हल्का हल्का कोहरा फिर से पड़ने लग गया है। दिन में तो आज धूप ही नहीं थी तो कपड़े वगैरह सब बहुत गीले थे, उनको मैंने डाल दिया है सूखने के लिए तार पे अंदर। और अभी बस पूजा की तैयारी होने लग गई है और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा ये पूजा का रोज़ रोज़ दिखाना क्योंकि एक ही चीज़ को हम डेली दिखाते हैं। अगर हम शुक्रवार को पूजा करते हैं तो हमको लगता है कि सब कुछ दिखाएं, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को भी माता जी के दर्शन कराएं। और डेली रूटीन ब्लॉग में यही तो रहता है कि जो भी हमने दिन में किया है वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करें और मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा। तो यहाँ पे हमने चौक लगा दिया था, उसके बाद बस पाटा डाला और उसके ऊपर लाल कपड़े में माता जी को बिठा दे रहे हैं। और कोई कोई केवल लक्ष्मी जी की मूर्ति ही रख करके पूजा कर लेता है लेकिन हमने विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की और श्रीयंत तो रखा ही जाता है और फिर कलश भी ज़रूरी है तो वो भी रख दिया है। और इधर ये पायल और सिक्का भी और ये हमारा जो माता जी का प्रसाद है, देखिए कितनी गाढ़ी हो जाती है बाद में। तो बस अब हम कथा करने जा रहे हैं, दीपक और धूप बत्ती सब जला के रख दिया है। और एक दूसरे के काम होते थे पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं, घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। तो कथा करने के बाद आरती कर लिया, लीजिए आप लोग भी आरती ले लीजिए, हवन भी हो गया है और बस अब हम प्रसाद बांटेंगे तो आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए माता जी का। तो सबके लिए निकाल दिया है और आप लोग भी ज़रूर से खाना, ये देखिए सबको दे रहे हैं और पापा भी आ रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। खेत गए हुए थे लेकिन पूजा के टाइम पर आ जाते हैं, मतलब आरती ले लिया था उन्होंने भी। और अभी हमने चाय बना लिया था और पापा ना अभी उबले हुए सिंघाड़े लेकर के आए हैं तो व्रत में हम चाय के साथ में वही खाने जा रहे हैं। और इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन घी में डाला हुआ है, अजवाइन, और इनको चाहो तो आप ऐसे काट भी सकते हो लेकिन मैंने काटा नहीं था। ये देखिए बन करके सिंघाड़े गर्मा गर्म तैयार हैं तो सब लोग खाएँगे और चाय के साथ में हम भी खा लेंगे और आप लोग भी खा लीजिए। अरे टाइफाइड के टांग टूट डरे होगा प्रिया दीदी। हाँ के टांग टूट गए, ये देखो इसका पैर टूट गया भाई ट्राइपॉड का, बेचारा ब्लॉग बनवाते बनवाते एक टैंस पैर से लंगड़ा हो गया है। ये क्या बेचारे कुर्बानी हुन जा रही। हाँ और यहाँ का चल रहा टाइम दोस्तों, रात के 9 बज रहे हैं और यहाँ देखिए सब्जी सब लोग छींकते छींकते बुरा हाल हुआ जा रहा है। बहुत तगड़ी मिर्ची डाली गई। हाँ बहुत ज्यादा मिर्ची डाल रही का अम्मा, लाइट चला के दिखा दो। आलू मटर और जो है टमाटर की व्रत वाली सब्जी है, घी में बनाई है, बहुत शानदार है, अच्छी बात है। बनाएंगे इसको।
और उधर मम्मी पूड़ियाँ बना रही है। मम्मी पूड़ियाँ बना रही, चलिए पहुँचते हैं मम्मी के पास, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए पूड़ी, अरे पापा ही कहाँ गए हैं? अरे यार पापा कहाँ पे गए हैं? आप कहाँ कह रहे हो यहाँ? हमारी मलकी ने तुम्हारी मम्मी, हाँ कुछ आज अस्वस्थ है, सुबह मुँह हम लगा के बैठी। अच्छा, और प्रिया आज हमें व्रत, हाँ तो हमारा का धर्म बना कि हम इनके मदद करा लेंगे। वह हम हूँ मदद कर रहे हैं, करे चाहिए अपनी मम्मी के साथ काम। हम पूड़ी नहीं बना पाए थे, सीखो हमको सिखाती ही नहीं ना मम्मी। चल नहीं तेज, अभी बिला रहे हैं हम, निकाल रहे हैं। तो आज पापा हमारी काफी हेल्प कर रहे हैं और हम जा रहे हैं खाने, मतलब सब्जी बन जाए उसके बाद फिर खाएंगे, पूड़ियाँ बन जाए। मियाँ बीबी में इतना प्रेम हो चाहिए। और पूड़ियाँ दिखा दो कितनी अच्छी बनाई है पापा ने। इधर दोनों कमजोर नहीं है ना, ये देखो तो निकाल है तुरा। अबे तो कहना बना ही नहीं पाई, अबे कहना बना नहीं पाई था। नहीं बना तो मम्मी रही ना, तो थोड़ा हाथों साफ रहा था कि मान लो कभी रंगबाजी कर रहे हैं तो अपने हाथ बना खा सके। ये दिमाग मना रहा है कि जो मैं भूखन मर जी हूँ। तो देखिए हमारी व्रत वाली थाली तैयार है, पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी, और सब लोग अंदर खा रहे। तो पहले गायकी ने निकाल दिया जो भी हमने खाया था और हम भी खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।